नमो नमः। आज हम पांचवी कक्षा की पाठ्य पुस्तक आधार का पाठ 3 जो कि है पृथ्वी को चढ़ा बुखार, इसका प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न अभ्यास में पाठ ज्ञान पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमारी पृथ्वी हो रही है, उत्तर है गरम। दूसरा ख भाग देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग, पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। घ, कहीं भी असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ जाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। न्यूज चैनल के अनुसार कौन से देश में बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ है? ऑप्शंस दी गई हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से क्या होता है? उत्तर होगा गर्मी बढ़ती है। इसका प्रश्न 3, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखित होंगे। इसमें केवल 3 ही प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अनुपमा किस बात को लेकर उदास थी? उत्तर, अनुपमा को उसकी अध्यापिका द्वारा कक्षा में यह बताया गया कि हमारी पृथ्वी बीमार हो गई है, उसका तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे, इसलिए अनुपमा उदास थी। ख, मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हिमनद पिघल रहे हैं, पेड़ों को काटा जाना, प्रदूषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना आदि मौसम परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। ग, अंतिम प्रश्न, वैज्ञानिक किस बात से परेशान हैं? उत्तर, वैज्ञानिक असमय होने वाली बारिश से परेशान हैं। इसके बाद पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। यह है व्याकरण ज्ञान, इसमें कहा गया है, आपने भाषा में और, एवं, तथा, या, ताकि, किंतु, इसलिए, मगर, इस तरह के शब्दों को अनेक बार पढ़ा है। इनका प्रयोग दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। दिए गए वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम और नरेश क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आया तो वर्षा हो रही थी, उसने परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आ सके। पहला प्रश्न करो फिर दूसरा। अगला प्रश्न है, त्योहार के अन्य नाम हैं उत्सव और पर्व, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, अर्थात एक ही वस्तु के विभिन्न नामों को उनका पर्याय कहा जाता है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द छांटकर आपको लिखने हैं। पहला है आग, तो आग के पर्यायवाची हैं अग्नि और अनल, अग्नि और अनल। इसके बाद दूसरा है किनारा, किनारा के पर्यायवाची हैं कूल और तट। तीसरा है कपड़ा, कपड़ा के होंगे वस्त्र और वसन। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा का होगा हय और अश्व। कमल, कमल का होगा ये पंकज और सरोज। उसके बाद है दिन, दिन का होता है दिवस और वासर। पक्षी का होता है खग और विहग। घर का होता है गृह सदन और वायु का होता है पवन और समीर। प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं आपको, इसके अनुसार आपको शब्द बनाने हैं। जैसे शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा तो शाब्दिक बना, उसी तरह से अगर धर्म शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा? धार्मिक। व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ें तो बनेगा व्यावहारिक। उसी प्रकार अर्थ में इक प्रत्यय जोड़ें तो आर्थिक बनता है। समाज में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो सामाजिक बनता है। उसी प्रकार सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ें तो साप्ताहिक बनता है।
इस प्रकार से ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।